हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में कौटिल्या जीएस का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। लगभग 26-27 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, उसे हम लोग पर डे एक एक करके कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स, आर सी मजुमदार, बी डी सावरकर, बिपिन चंद्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक हैं बी डी सावरकर। किस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने को प्रतिबंध कर दिया गया? कौन सा एक्ट हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के समय लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसे हटाने का जो अधिकार है संसद को है। निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार किसे है? यह संसद को है। क्लियर? यह शपथ त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसकी नियुक्ति पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है। यह संवैधानिक पद है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत का सही क्रम क्या है? डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत मैंने कई बार बताया है। सतारा को सबसे पहले हड़पा गया था 1848 ईस्वी में। जैतपुर और संभलपुर को हड़पा गया था 1849 में। 1850 में बघाट को, 1850 में बघाट को, 1852 में उदयपुर को, और एक वर्ष बाद 1853 में झांसी को, 1854 में नागपुर को, 1855 में करौली को, और 56 में कुशासन के आरोप पर अवध को हड़पा गया था। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति यह हो जाएगा उद्यान कृषि, उद्यान कृषि से। मधुमक्खी पालन एपिकल्चर, पुष्प उत्पादन फ्लोरिकल्चर, रेशम कीट पालन सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? यह हो जाएगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय एक रुपये का नोट और सिक्का जारी करता है, छोटे मूल्य का सिक्का वित्त मंत्रालय। वही 2 रुपये के नोट और सिक्का एवं इससे अधिक मूल्य के नोट या सिक्का जारी करने का अधिकार किसे है? यह भारतीय रिजर्व बैंक को है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? यह हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? गुजरात में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। साइलेंट वैली केरल में है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम चेंज कर दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, यह कहाँ? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। अरल सागर, अरल सागर कहाँ है? यह कजाकिस्तान में है, कजाकिस्तान में है। मिशिगन झील, मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रेट बियर झील कनाडा में, और आयर झील ऑस्ट्रेलिया में। एक बार फिर से, अरल सागर कजाकिस्तान, मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट बियर झील कनाडा, आयर झील कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? पहले जो थे यह थे श्री कृष्ण सिंह। दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिंह, क्लियर? और अगर पूरे भारत की बात की तो पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे, और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? यह नवादा जिले में है। नालंदा नवादा में कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा नवादा में है, ना कि नालंदा जिले में है। अक्टूबर 2022 में पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में आए सितरंग चक्रवात का नाम किसने रखा है? सितरंग चक्रवात का नाम रखा है थाईलैंड ने। गुलाब नाम रखा किसने? पाकिस्तान ने।
गुलाम नाम किसने रखा है? यह रखा है पाकिस्तान ने। नेक्स्ट है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? यह होगा भारत में। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या प्रदर्शित करती है? विद्युत फ्लक्स, ऑप्शन नंबर बी विद्युत फ्लक्स। दर्पण सूत्र है, साथ साथ आंसर देते चलेंगे, मैं आप लोग को टाइम ही देते चलती हूँ। दर्पण सूत्र हो जाएगा 1/F = 1/V + 1/U, ऑप्शन नंबर ए। आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के द्वारा। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? यह निकलता है संवहन क्रिया द्वारा, संवहन के द्वारा। चालन जो है सिर्फ ठोस में होता है। एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? कवक और जीवाणु। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो तत्व के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। अमीबीय प्रोटिस्टा का उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरामीशियम, युग्लिना संघ में आता है। युग्लिना पौधा प्लस जंतु के भी सहजीवी होता है और एंट अमीबा भी होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, लेकिन ए और डी दोनों होना चाहिए। सबसे अधिक प्रोटीन किस शैवाल में पाया जाता है? अंतरिक्ष यात्री इस शैवाल को यूज करते हैं, यह हो जाएगा क्लोरेला, एक और याद रखेगा हाइड्रिला भी। वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? रक्षा सचिव गिरधर अरमाने। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा और वाणिज्य सचिव सुनील वर्थवाल। किस राज्य में रटौल आम को जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश, बाड़ा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है, महाराष्ट्र का है। करूरपुर कलमकारी पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, जो कि कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और सफ़ेद प्याज वही महाराष्ट्र का ही है। थुलम्बा कंबल को जीआई टैग दिया गया है, जो कि उत्तराखंड का है। सोजत मेहंदी राजस्थान का जीआई टैग दिया गया है। वही जरदालू आम मखाना ये सब को जीआई टैग दिया गया है, बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहस्थी चालीसा प्रचंड प्रचासा एवं चिकित्सा साठा क्या है? ये शायद बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। गृहस्थी चालीसा प्रचंड प्रचासा एवं चिकित्सा साठा क्या है? तय दक्षिणी गोलार्ध में स्थित, दक्षिण गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन का खोज किसने किया था? शनि के उपग्रह की संख्या कितनी है? तो 82 है। सर्वाधिक जो उपग्रह है यह बृहस्पति का है, 92। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिश्चियन हाइजोन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये तीनों को तो हटाने का अधिकार ही है, लेकिन भारत का महान्यायवादी को संसद को हटाने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी को हटाने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, पता ही होगा। नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा की गई है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 69
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, या गलत है, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है अनुच्छेद 67 हो जाएगा, 67। अनुच्छेद 70 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक ट्रिक है उसरा निका चूस, उसरा निका चूस जिसका ट्रिक है उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 से लेकर के कहाँ तक 370 तक, देख लीजिएगा आप लोग ये ट्रिक को। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है, तो यह होता है प्रतिलोम, ऑप्शन नंबर बी प्रतिलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 28 सुमेलित कीजिए। दास प्रथा को समाप्त किया गया था 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा, तीर्थकर को 1563 में, जजिया कर को समाप्त किया गया था 1564 में, सूबों का पुनर्गठन किया गया था 1580 में ही, सुमेलित करना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, सूबों का पुनर्गठन 1580, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरम दल से मुक्ति भी 1562 ईस्वी में मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था, द्वितीय बौद्ध संगीति, पहले बौद्ध संगीति का अध्यक्षता महाकश्यप ने, दूसरा किसने किया था, तो सावक मीर ने, सावक मीर ने, और तीसरा मोगली पुतिस ने, और चौथा वसुमित्र ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा कहाँ हुआ था, चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। कौन कौन राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, कौन कौन राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अष्टाम्प शुल्क और बिक्री कर, 3 और 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है अष्टाम्प शुल्क और बिक्री कर। सेवा कर जो है हमने किसका बात किया, अष्टाम्प शुल्क और बिक्री कर जो है यह राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर जो यह सेंट्रल का है, वही भू राजस्व जो है राज्य का है, डायरेक्ट टैक्स है। निगम कर यह सेंट्रल का है लेकिन यह डायरेक्ट टैक्स है। बिक्री कर यह राज्य का है लेकिन यह क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। 3 और 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है, ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है, सिक्किम को। हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ किया गया, जिनेवा में, जिनेवा में 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी, यहाँ प्रक्षेप होना चाहिए था, प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे कितने क्षैतिज कोण का प्रयोग करना चाहिए, यह जाएगा 45 डिग्री, और सर्वाधिक ऊंचाई के लिए 90 डिग्री, हाइट के लिए 90 डिग्री, दूरी के लिए 45 डिग्री। एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी किसे, किस उत्तोलक का उदाहरण है, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी किस उत्तोलक का उदाहरण है, यह हो जाएगा द्वितीय उत्तोलक का। नेक्स्ट है, किस गैस विकसित होती है, कौन सी गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, कौन सी गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, यह हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। जल के जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, जल के जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ विरंजक चूर्ण है, ऐसे क्लोरीन को भी प्रयोग किया जाता है लेकिन ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा विरंजक चूर्ण। सुमेलित कीजिए। विटामिन सी की कमी से होता है अस्कर्वी, अस्कर्वी। फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल किसका है, तो विटामिन B9 का है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से होता है रक्तालता। विटामिन ए, विटामिन ए रेटिनॉल, और इसकी कमी से रहता हूँ जीरोप्थेलमिया। विटामिन B1 बेरी बेरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज आराम से चल रही हूँ, आप लोग आंसर देते चलें। किस उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थाई उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है, किस उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थाई उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है, यह हो जाएगा विभेद्योतक। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है,
बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? उत्तर से दक्षिण बताना है, यह हो जाएगा 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। वही पूर्व से पश्चिम की अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई है 483, पूर्व से पश्चिम 483। बिहार में धरवार क्रम की चट्टाने कहाँ पाया जाता है? बिहार में धरवार क्रम की चट्टाने कहाँ पाया जाता है? यह दक्षिण पूर्व बिहार में, दक्षिण पूर्व बिहार में। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने किस मंत्री को यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया में भेजा था? ये तो करंट अफेयर था लेकिन यह पुराना हो चुका है। 18 अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? मिस्र। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? यह हो जाएगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, CPI, CPIM, INC, INC, AITMC, NPP और AAP, मतलब आप जो है यह सब क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन को देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 41वां संविधान संशोधन 1976। मोहम्मद फकीर एवं मीर हसन किस मुगल शासक के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? मोहम्मद फकीर एवं मीर हसन किस मुगल शासक के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? शाहजहां के। किस इतिहासकार ने इतिहास को 3 भाग में बांटने का श्रेय जाता है? किस इतिहासकार को इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जाता है? क्रिस्टोफ सिलियरस को। दून या द्वार घाटियां हिमालय के किन 2 भागों में स्थित हैं? दून या द्वार घाटियां शिवालिक एवं लघु हिमालय। निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान का रूपांतरण सही नहीं है? ग्रेनाइट, नीस, बिटुमिनस, कोयला, ग्रेफाइट, गैब्रो का सरपेंटाइन, बेसाल्ट, साइनाइट, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी बेसाल्ट एम्फीबोलस होना चाहिए था। एंथ्रासाइट हीरा, चूना पत्थर, मार्बल, सेल का रूपांतरण असलेट है। सलेट रूपांतरण हो जाता है फाइलाइट में और फाइलाइट रूपांतरण होता है सिस्ट में। मद्रास में 1806 में हुए बेलौर सिपाही विद्रोह में वहाँ का गवर्नर कौन था? मद्रास में 1806 में हुए बेलौर सिपाही विद्रोह में वहाँ का गवर्नर कौन था? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। बिल्कुल राइट आंसर है, मद्रास का गवर्नर उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन भी हो सकता है लेकिन यह राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? चेक गणराज्य। अगस्त 2022 में नंदा झील भारत का नवीनतम रामसर स्थल है, यह किस राज्य में स्थित है? नंदा झील गोवा में है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात को। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु, अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में। किस क्रिया के कारण कॉफी पाउडर जल में बहुत शीघ्र घुल जाता है? किस क्रिया के कारण कॉफी पाउडर जल में बहुत शीघ्र घुल जाता है? यह किसी तत्व के कारण। कवकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कवकनाशी के रूप में जिंक फॉस्फाइड का, हालांकि इसका यूज चूहा का विष बनाने में भी। त्वचा रोग का दवा जिंक कार्बोनेट, दीमक से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड। निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? एस ए नोड को। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है?
यह पेप्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? कैल्शियम ऑक्सलेट। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? त्रिपुरा। हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए बामनवान दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है? आशा पारेख को। 50वां दिया गया था अमिताभ बच्चन को, 51वां दिया गया रजनीकांत को और 52वां दिया गया आशा पारेख को। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? किया जा चुका है 9 जनवरी को इंदौर में। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो अभियान शुरू किया गया है? बढ़े चलो अभियान, संस्कृति मंत्रालय। 1760 में हुए वांडीवास का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था और इसका नेतृत्व सर आयर कुट ने किया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच हुआ था। दूसरा एला सपला की संधि के समाप्त हुआ था, पता होगा। दूसरा 1749 लेकर के 1754 तक चला था, पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था, ए पापे इसका ट्रिक है। और तीसरा हुआ था 1756 से लेकर के 63 के बीच, पेरिस की संधि के तहत यह समाप्त हुआ था, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? ऑप्शन को देखते चलिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, जबकि साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, यह सब राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। निम्न में से कौन कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो हो जाएगा विशुवियस, जो कि कहाँ है, इटली के नेपल्स द्वीप पर स्थित है, सक्रिय है। उसके बाद एटना, यह भी इटली में ही है, सिसिली द्वीप पर। किलिमंजारो तंजानिया में है, यह मृत है। कोलिमा जो है मैक्सिको में है, यह सक्रिय है। माउंट मेरापी यह इंडोनेशिया में है, यह भी सक्रिय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 और 5 है, 1, 2, 4 और 5। किलिमंजारो नहीं होगा, यह मृत है, तंजानिया में स्थित है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके? वैध मतों का 1/6। कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? पृथक निर्वाचक मंडल। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? पता ही होगा, मिनहाज उस सिराज, गुलाम वंश के बारे में जानकारी इसमें मिलती है। अलबरूनी का याद रखिएगा, तबकात ए हिंद किसका है? तो अलबरूनी का है। किताबुल यामनी बहाकी का है। तारीख़ ए सबुकद्दीन, ये भी बहाकी नहीं लिखा था। जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक है तारीख़ फिरोज़शाही। शाहनामा किसका? तो फिरदौसी का है। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका का मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास का क्या नाम है? एलिफेंट पास। दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच है डक्कन पास। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया? डॉक्टर सिंधिया रोशन जवेक को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? केरल। पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तमिलनाडु। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? यह वत्सराज ने, ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक जलाब हुआ था राष्ट्रकूट का हुआ था, ध्रुव शासक था। अंतिम सफलता जो मिला था, यह मिला था किसे, बताइएगा।
अंतिम सफलता किसे मिला था त्रिपक्षीय संघर्ष में? प्रतिहार शासक को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें राष्ट्रकूटों ने भाग लिया था, प्रतिहारों ने भाग लिया था और एक और वंश था बंगाल का, पालों ने भाग लिया था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ने भाग लिया था। निम्न से कौन सी नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है? नदी विसर्प या मियांडर, जो कि बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंध, जलोढ़ पंख एवं शंकु, ये सब तो है ही है। निम्न से कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागर परियोजना से जल प्राप्त करता है? भाखड़ा नागर बांध सर्वाधिक गुरुत्व वाला बांध है, कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, गुरु गोविंद सागर जलाशय। भाखड़ा नागर बांध सतलज नदी पर है। यह लाभान्वित है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। योजना की सूची में वर्णित है, योजना की सूची में वर्णित है, संवर्ती सूची में। कौन सी वस्तु हड़प्पा सब स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? सब स्थल से नहीं प्राप्त हुई है सूती वस्त्र, हालांकि सूती वस्त्र जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मत के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश। 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में किया गया? बांग्लादेश। ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है? ब्रह्मोस नाग जो है टैंक विरोधी मिसाइल है, ब्रह्मोस सतह से सतह मिसाइल है। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? छऊ पश्चिम बंगाल का है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड अनहैप्पी इंडिया तो लाला लाजपत राय की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? हैदराबाद। किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? कुकी जनजाति कहाँ निवास करती है? मणिपुर में। मैंने जनजाति को करवाया भी स्टैटिक में, जाकर के देख सकते हैं एजुकेशन ब्रांच चैनल पे। लतीफ खा का संबंध तबला से है, तबला। किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? नौका दौड़ ओनम में। सुमेलित कीजिए। निखत जरीन का संबंध है मुक्केबाजी से, गीता फोगाट कुश्ती से, साक्षी मलिक पहलवान है, कन्ना मलेश्वरी भारोत्तोलन। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को। यूरोपीय संघ का स्थापना कब हुआ था? यूरोपीय संघ का स्थापना 1958 में। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न है, मैं आंसर टिक कर देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए अब रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर लें, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और इसे शेयर करना ना भूलें। अभी 2-3 महीने तक स्टडी क्रैप जो चैनल है इसी पर ही प्रैक्टिस सेट चलेगा, उसके बाद एजुकेशन ब्रांच जो चैनल है उसी पर ही प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से आप लोग को धन्यवाद।